नमस्कार, मैं हूं पुनीत मल्होत्रा और आप सभी दर्शकों का चंबा हलचल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस की मिशन रिपीट हिमाचल के बारे में, साथ में जो कांग्रेस में जो उथल पुथल हो रही है उसके बारे में। और इस चर्चा में मेरे साथ हैं विजय कुमार जी, जो कि डायरेक्टर SC ST डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और एक्स प्रधान जडेरा। और मेरे साथ हैं शिवांग शर्मा जी, जो कि यूथ प्रेसिडेंट चंबा कांग्रेस के हैं, और योगेश जी, जो कि OBC कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश के हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे हसन दीन जी, जो कि ग्राम पंचायत पल्यूर से प्रधान हैं और साथ ही साथ एक गुज्जर कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल सर आपसे रहेगा विजय जी, कि सर कांग्रेस जो है वो मिशन रिपीट की तैयारी में है, पर ये कैसे पॉसिबल होगा जब कांग्रेस के बंदे टूट के भाजपा में जा रहे हैं, कार्यकर्ता टूट के जो है वो भाजपा में जा रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा इस मिशन को रिपीट कर पाना? पुनीत जी नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जो मिशन रिपीट की बात हमने की है, तो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इतिहास है। आप इन बातों से भलीभांति परिचित हैं और मैं भी इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि जनता को भी इस बात का पता चले कि जब देश आज़ाद हुआ था तो आप अंदाज़ा लगाओ हमारे पास क्या था, क्योंकि सैकड़ों सालों की गुलामी थी। और ये सुनने में आता है, जो हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते हैं, कि हमारे पास तो देश में सुई तक भी नहीं बनती थी। आज हमारा देश कहाँ पहुँचा है, क्या कुछ बना है, देश में कितनी तरक्की हुई है, सब आपके सामने है। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती हम कहें कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये सब कुछ सामने है। रही टूट की बात, तो टूट तो घर परिवारों में भी होती है। कोई आता है, कोई जाता है, कोई स्वार्थी पन लेकर के किसी पार्टी में प्रवेश करता है, तो वो आते हैं जाते हैं, इनसे विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और विचारधारा जो है वही पार्टी कायम कर सकती है, रख सकती है, जिनका कोई अपना इतिहास है। तो कांग्रेस का बहुत बड़ा इतिहास है, इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि कांग्रेस रिपीट करेगी। बाकी रही बात कि कांग्रेस ने क्या क्या देश के लिए किया, क्या क्या हर समाज के लिए किया। इस देश में आप जानते हैं कि एक समाज नहीं रहता है, यहाँ पर अनेक धर्म हैं, यहाँ पर अनेक जातियाँ हैं, यहाँ पर अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, और इन सबको बराबर लेकर के चलना कोई छोटी चुनौती नहीं थी। तो जहाँ कांग्रेस ने एक अपना संविधान बनाया देश के लिए, उस संविधान में सबके लिए बराबर समानता के अधिकार दिए गए और लोगों के लिए कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए। पर हम अधिकार के प्रति तो जागरूक हो गए कि हमें ये अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार मिलना चाहिए, परंतु कर्तव्यों की तरफ हमारे ध्यान बहुत कम रहे। और कांग्रेस आज भी उन अधिकारों को भी लोगों तक पहुंचा रही है और कर्तव्यों का भी अपना पालन कर रही है। इस कारण से हम कांग्रेस जो है पुनः हिमाचल में रिपीट करेगी। मैं ये सवाल आपसे इस करके पूछ रहा हूं कि हाल ही में जो पवन नैयर जी हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा से टिकट लिया चंबा विधानसभा क्षेत्र से, क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होगा? देखो पुनीत जी, एक सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी क्यों? नहीं, जो उन्होंने मैं अपने इंटरव्यू में मेरे साथ जो बात कही, कि उन्होंने ये बात कही कि भी दो बार में चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कई ऐसे जो लोग हैं उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, इस करके उन्होंने कांग्रेस जो है छोड़ी है, तो आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कांग्रेस ने उन्हें मान सम्मान दिया, कांग्रेस ने उन्हें दो बार टिकट दी। अब राजनीति में अपनी एक कार्यशैली होती है, उस कार्यशैली के ऊपर काम करना पड़ता है, उसमें कई बार अपनों को अपनाना पड़ता है, रूठों को मनाना पड़ता है। अब उस कार्यशैली में जहाँ तक मुझे लगता है कि पवन नैयर जी चूक कर गए। और रही बात भाजपा में जाने की, तो इसमें थोड़ा सा मुझे स्वार्थीपन जो है नज़र आ रहा है, क्योंकि चल रहा था पीछे काफ़ी टाइम से चला हुआ है कि मोदी लहर है, तो शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि कांग्रेस कहीं हारेगी और जो है बीजेपी की कहीं जो है नैया पार लगेगी मोदी के सहारे, तो
तो ना और नैया पार लगने वाली है ना कांग्रेस हारने वाली। नहीं, पर वो ये बात भी कह रहे हैं कि मेरी दो पिछली जो दो हार हुई हैं उसके पीछे कांग्रेस का ही हाथ है, क्योंकि जब मैं इलेक्शन लड़ता हूँ तो कांग्रेस का ही कोई व्यक्ति चुनाव में इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है और वही मेरी हार का मुख्य कारण बनता है। तो क्या पार्टी उस चीज़ के लिए तब दबाव नहीं बना सकती जो आज पार्टी ने ऐसा किया कि भी अब जो चुनाव हो रहे हैं तो सभी पार्टी इकट्ठी होगी, मेरी वार में क्यों नहीं इकट्ठी हुई? मैं एक बात और बताऊँ आपको, पवन नैयर जी के साथ हम अहदेदार लोग हैं, मेरे को ये बताओ कौन सा अहदेदार आदमी कांग्रेस पार्टी का जो उनके साथ नहीं चला, हर एक आदमी चला, चाहे प्रधान से लेकर के चाहे अपने नगर पंचायत तक नगर परिषद तक के लोग थे उनके साथ चले। अब रही बीच में कोई किसी को खड़ा किया जाता तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं, जनता की सामने भी इस बात को रखना चाहता हूं कि भटियात में चुनाव हुए, भूपेंद्र सिंह चौहान जी बीजेपी के अध्यक्ष थे, आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल। वो अपनी पार्टी के साथ बगावत करके अपने कैंडिडेट के खिलाफ खड़े हो गए, तो विक्रम जरियाल को हार जाना चाहिए था क्योंकि वहाँ दो बीजेपी के कैंडिडेट थे, विक्रम जरियाल की कार्यशैली ठीक थी इस कारण से उन्होंने उस सीट को निकाला है, तो चंबा में ऐसा क्यों नहीं? पर बात ऐसी है, जब से हर्ष महाजन जी चंबा छोड़ के गए हैं तब से कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट जो है वो जीत नहीं पाया है, उसके पीछे क्या कारण है? नहीं कोई नहीं, पवन नैयर तो कैंडिडेट रहे हमारे जी, और कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं था। तो क्या पार्टी ने सोच समझ के टिकट नहीं दिया था क्या? आप पार्टी ने सोच समझ के टिकट दिया था क्योंकि ये भी अच्छे पॉलिटिशियन थे, पुराने टाइम से ये इसके इलेक्शन लड़ते आ रहे थे, कमेटी के इलेक्शन लड़ते आ रहे थे। अब इस बात को आज भी आप देखो, मैं एक बात बताऊं, कैंडिडेट वही कामयाब होता है जो लोगों के दिल में अपनी जगह बनाता है। कहीं आपने देखा पिछले 10 साल में पवन नैयर जी का कार्यालय उनके घर में रहा हो, उनके परिवार के साथ आम आदमियों का? हमने तो आज तक उनका बेटा भी नहीं देखा है, हमने तो आज तक उनकी बेटी भी नहीं देखी है। मिलना पड़ता है लोगों के साथ, परिवार एक जो घर अपना निजी परिवार होता है वो जो दूसरे लोग होते हैं उनके साथ ऐसा तालमेल बनाता है कि वो लोग जो है वो स्वयं में भी जाते हैं कि ये लोग हैं इनके साथ हमने मिलना है, हमारे पारिवारिक संबंध। आज भी भाजपा में जाकर के भी बहुत बड़ी भूल की कि कहीं पुलिस ग्राउंड में जाकर के लोगों को इकट्ठा किया, क्यों? क्या घर नहीं था परिवार की? वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। चलो ये तो पवन नैयर जी की बात ही है, अंजलि मल्होत्रा जी ने भी तो पार्टी छोड़ दी। सर अंजलि मल्होत्रा जी हाल ही में तो कांग्रेस में ज्वाइन किया जी, इनके पिताजी पहले आपको पता हिमका से उन्होंने चुनाव लड़ा जी, और एक बार शायद आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा है, कांग्रेस में उनका स्वागत किया था, कांग्रेस ने उन्हें इज्जत मान दिया, अंजलि मल्होत्रा को इज्जत मान दिया। अब अगर स्वार्थ के कारण आप पार्टी छोड़ के चले जाओ वो तो कोई बात नहीं बनती है। मैं नीरज नैयर जी की बात आपके सामने करूं, उस परिवार की बात करूं, सागर चंद नैयर जी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे और चंबा के लोग उन्हें आज भी अगर हम कहीं फील्ड में जा रहे हैं तो उनके नाम से भी नीरज नैयर जी को वोट मिले। आपको पता है कि 1993 में चुनाव हुआ, सागर चंद जी टिकट आवंटन कमेटी के मेंबर थे, उनकी टिकट कटी, पर वो लगातार तब से लेकर के आज तक निरंतर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे। 27 साल का समय कम नहीं होता है, 25 और 27 के बीच में ये टेन्योर हुआ है, समय कम नहीं होता है। और आज देखो कांग्रेस पार्टी ने इज्जत मान दे करके उन्हें फिर टिकट दिया। तो पार्टी के साथ जुड़ना पड़ता है, विचारधारा के साथ जुड़ना पड़ता है, स्वार्थीपन जो है वो हमेशा नुकसान देता है। और जहाँ हम स्वार्थीपन लेके जाएंगे, घर में आओ जहाँ एक बाप बाप के 2-3 बेटे होते हैं, जो स्वार्थी बेटा होता है वो अपने आप ही अब किनारे हो जाता है जी। जो एक सेवा करने वाला बेटा है वो अंत तक जो है अपने बाप के साथ सेवा करता है, अपने परिवार के साथ सेवा करता है, वो इनाम कमाता है। तो अंजलि मल्होत्रा जी ने भी एक बड़ी यंग लड़की थी, उसमें भी कुछ हमें दिख रहा था, पर टिकट आवंटन उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया और हमें ये भी पता है उनका नाम भी चला, ये शिवांग जी हमारे सामने बैठे हैं, इन्होंने आवेदन किया था जी, पर इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, पार्टी में जुड़े रहोगे तो मान और सम्मान मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, कांग्रेस पार्टी ने पूरे समाज को, पूरे जातियों को, पूरे धर्म को, सब धर्म सभी धर्मों को समान रूप से लेकर के कांग्रेस पार्टी चली। भाजपा का ये भी आरोप है कि कांग्रेस ने इन चुनावों में टिकट जो है वो जिसे बोलते हैं वंशवाद, वीरभद्र सिंह जी के बेटे को भी टिकट मिल गई,
ठाकुर कौल सिंह जी की बेटी को भी टिकट मिल गई, तो इस तरह से चुनाव उन्होंने किया, जबकि कार्यकर्ता जो थे जो पार्टी के साथ जुड़े थे उनको नहीं ये मौका दिया गया, तो क्या समझते हैं इसके? नहीं, मैं एक बात आपसे और साझी करूं, क्या भाजपा में किसी के बेटे को टिकट नहीं मिली है या किसी की बेटी को टिकट नहीं मिली है? ये बातें बड़ी अलग सी हैं। अब विक्रमादित्य को अगर आज टिकट दी गई है तो कितने समय से वो कांग्रेस का काम कर रहा है, युवा कांग्रेस में उसने अपना काम किया है, क्यों, क्या उसका टिकट के लिए अधिकार नहीं है? अधिकार है, पार्टी देखती है, लोगों की विचारधाराएं ली जाती है, लोगों के फीडबैक ली जाती है कि किस कैंडिडेट को आप जो है लाइक करते हैं जी, तो इसके आधार पर टिकटें मिलती है, वंश और परिवार के आधार पर टिकट नहीं मिलती है। हाँ, काम करेंगे टिकटें मिलेंगी। मैंने एक वीडियो भी वायरल देखा आपका फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भी आ रहा है, हर्ष महाजन जी जो हैं वो नीरज नैयर जी के लिए अपील कर रहे हैं वोट के लिए, क्या आपको लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा इलेक्शंस पे? बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा, और उन्होंने अच्छी अपील की है। पवन जी के लिए भी उन्होंने, हम सबको बोला था कि पवन जी का काम करो, कांग्रेस पार्टी का काम करो, कांग्रेस के कैंडिडेट को जिता के लाओ। आप ये अंदाजा लगाओ किसी पार्टी में अगर हम एक अपने कैंडिडेट को रहेंगे, लॉस किसको होगा? पार्टी को लॉस होता है जी, ऐसा नहीं होता है। तो हर्ष महाजन जी उस समय भी हमें, हम सबको गाइड किया था कि आप चलो, और हम चले हैं, गांव गांव में गए हम। आप बताओ कौन से गांव में जो है, अगर पलियूर की बात करें, साहु की बात करें, जितनी भी हमारी पंचायतें हैं इस तरफ जटकरी और दृढ़ा तक की बात करें, परली तरफ जो है कुठेड़ तक की बात करें, रजेरा तक की बात करें, उटीप की बात करें, इस तरफ क्या हमारे कांग्रेस के लोग नहीं गए? हर्ष महाजन के साथ चलने वाले लोग पार्टी प्रचार में नहीं गए? सागर चंद नैयर जी के चलने वाले लोग, बुजुर्ग लोग थे, वो भी अपने हाथ में सर जो है अपनी लाठी लेकर के उन्होंने भी प्रचार किया, दुकानों पे बैठ के प्रचार किया, अपने आप ही 18,000 वोट नहीं मिले थे। शिवांग जी, जैसे कि आप प्रेसिडेंट हैं चंबा कांग्रेस के यूथ के, तो हमेशा यूथ में ये रोज़गार की डिमांड रहती है कि हमें रोज़गार मिलना चाहिए, तो प्रदेश कांग्रेस की जो सरकार है वो कितना रोज़गार दिलवाने में सफल रही है युवाओं को? नमस्कार मल्होत्रा जी, आपने रोज़गार की बात की तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने जो अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उसे पूरा करने का भरसक प्रयास किया। राजा वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 96,000 नौकरियाँ जो हैं युवाओं को और लोगों को प्रदान की हैं। इसके अगर हम इसका कंपैरिजन हमारे देश के प्रधानमंत्री से करें तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था प्रतिवर्ष, और शायद वो 2 लाख नौकरियां भी प्रतिवर्ष नहीं दे पाए हैं पूरे देश में जी। और उसके मुकाबले में अगर हिमाचल प्रदेश, जिसकी जनसंख्या शायद दिल्ली से भी कम है, 60 से 70 लाख की जनसंख्या है हमारे प्रदेश की, इसमें अगर आप 96,000 से लेकर 1 लाख लोगों को नौकरी रोज़गार दे रहे हैं, नौकरी प्रदान कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी जो है प्रतिशत जो है मानी जाती है जी। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़े ही अच्छे निर्णय जो हैं युवाओं के लिए इस अपने कार्यकाल में लिए। सबसे प्रमुख जो निर्णय था वो था बेरोज़गारी भत्ता जी, ठीक है। इस देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे बेरोज़गारों को जो है बेरोज़गार भत्ता जो है वो दिया जा रहा है जी। और कौशल विकास निगम का गठन भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया। हमारे युवा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विक्रमादित्य सिंह जी, वो इस बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, और उनकी देख रेख में बड़े सुचारू रूप से इस जो निगम का कार्य जो है वो चल रहा है जी। तो इन विधानसभा चुनावों में जो है वो यूथ क्या योगदान देने जा रहा है? युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ही जो हाईकमान है उन्होंने हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विक्रमादित्य सिंह जी को टिकट दिया। हमारे बड़े भाई हैं आशीष भुटेल जी हैं, पूर्व में हमारे लोकसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें भी टिकट दिया गया। तो ऐसा नहीं है, मतलब युवाओं को देखते हुए ही और युवाओं की जो भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ही इन सब व्यक्तियों को टिकट दिया गया है, और मैं समझता हूँ कि ये लोग जो हैं चुनाव जीतकर विधानसभा में आएंगे और हिमाचल प्रदेश की युवाओं की जो आवाज़ है उसे बुलंद करेंगे। अब मेरा सवाल रहेगा योगेश जी से, जो कि OBC कल्याण बोर्ड के मेंबर हैं। तो सर, प्रदेश सरकार ने क्या स्कीम्स जो हैं वो चलाई हैं OBC वर्ग के लिए, थोड़ा आप बताएं। नमस्कार मल्होत्रा जी,
ये ओबीसी कल्याण बोर्ड जैसे हिमाचल प्रदेश ने अलग अलग जाति के लिए अलग अलग बोर्ड का गठन किया है जी, और वो जो अलग अलग जाति का जो गठन इसलिए सरकार ने किया ताकि हर वर्ग का लोग जो है अपने बोर्ड द्वारा, जो हिमाचल प्रदेश हर बोर्ड की 6 महीने के एक बार मीटिंग करती थी और साल के 2 बार होती थी, ताकि वो बोर्ड गठन करने का मतलब ये था कि उन लोगों की आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचे और सरकार जो है उनकी सबकी विचार को सुन के उस पर जो है वो आगे की रणनीति तैयार करते, उन लोगों को डेवलपमेंट करने के लिए ही ये बोर्ड जो है वो बनाया गया था। विजय जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जो हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो प्राइम मिनिस्टर वर्सेस सीएम हो रहा है, होने जा रहा है, तो आप इन चुनावों को किस तरह से देखते हैं? पुनीत जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जैसे मैंने शुरुआत आज़ादी के बाद से की थी, उसी बात को आगे कंटिन्यू करूँगा। हमारे शहर थे, बहुत सारे गांव थे, जिसके लिए गांव में पंचायती राज का गठन हुआ, जो महात्मा गांधी का सपना था और राजीव गांधी ने उसे पूरा किया। उसके बाद जो शहर थे उसमें नगर पंचायतें बनाई गई, नगर परिषद बनाए गए, नगर निगम बनाए गए, और इसलिए बनाए गए कि उनका जो था डायरेक्ट उसको सेंटर से स्टेट से पैसा आता था और वो लोग चुन करके आते थे। उनमें से कोई पार्टी का सिंबल के ऊपर इलेक्शन नहीं होता था, गांव के लोगों को चुनते थे ताकि अपने इलाके के विकास हो। उसके लिए 5 वर्षीय योजनाएं बनाई गई, उसके लिए इसके हमारे जो फाइनेंस योग थे उसका गठन किया गया जी। और उसमें भी आज आकर के आप जहां मोदी जी की सरकार पहुंची है वहां आकर के देखें, 12वां वित्त आयोग बना, 13वां वित्त आयोग बना, आज 14वां वित्त आयोग बना, इससे पहले पहला वित्त आयोग था, दूसरा था, तीसरा, कंटिन्यू चलता रहा और उसका पैसा डायरेक्ट पंचायतों में और शहर में आता था, उसको खर्च किया जाता था। मोदी जी ने आकर के उन योगों को भी बंद करने का प्रयास कर दिया। अब बोल दिया नीति योग बनेगा। योग जो बनते थे, ये जो फाइनेंस योग बनते थे, हर 5 साल के लिए बनते, 5 वर्षीय योजना इनमें शामिल होती थी, और इन योजनाओं में पंचायतों के साथ 16-17 डिपार्टमेंट जोड़े गए जो पंचायत उनके ऊपर नज़र रखती थी जी। शहर के साथ भी इसी तरह से जुड़ाव हुआ, ताकि जो पैसा, क्योंकि अपनी अपनी कार्यशैली है, सबसे निचला स्तर पंचायती राज है, नगर निगम है, उससे ऊपर आकर के हमारा ये विधानसभा है, उससे ऊपर आकर के हमारा पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में कानून बनते, बजट का प्रावधान होता, विधानसभा अपना कार्य करती है, तो उसमें उसको भी तोड़ा गया। मैं आज आपको एक नई बात बताऊं, कांग्रेस के टाइम में BRGF लागू किया गया, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड करके जी। वो इसलिए किए गए क्योंकि पिछली सरकारों में हर 5 साल के बाद, 2 साल के बाद कोई ना कोई नई नई योजनाएँ आती रही, फिर वो योजनाओं का पैसा जब क्षेत्र में गया, उस पैसा खत्म हो गया, वो योजनाएँ अधूरी रह गई। मनमोहन सिंह की सरकार ने सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में इस बात को रखा कि वो जो हमारी अधूरी योजना रह गई है, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड करके पैसा निकाला गया ताकि उन योजनाओं को पूरा किया जाए। मोदी जी जैसे ही सत्ता में आए, उन्होंने बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड का पैसा ही खत्म कर दिया, और आयोग का पैसा जो था वो नीति आयोग बनाने की बात की, अभी तक तो शायद बना भी नहीं है, पर क्यों चेंज किया जा रहा है? आपको पता, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, कई लोगों के पास घर नहीं थे, तो गांधी कटोरी योजना बनाई गई महात्मा गांधी के नाम से, इंदिरा आवास योजना बनाई गई, आगे चल करके राजीव आवास योजना बनी, BJP की सरकार ने क्या किया, उसे अटल आवास योजना कर दिया। नाम बदलने से जहर बोतल का अंदर जो कुछ है वो वैसा ही पड़ा है, लेबल बदल दिया, वो डेवलपमेंट नहीं होती है, नए काम जो है वो शुरू किए जाए नहीं। पर यह आरोप भी लगते हैं आ रहे हैं, भाजपा वाले लगाते हैं कि कांग्रेस राज में जो है करप्शन बहुत होती रही, जैसे कि जो पैसा जनता के लिए भेजा जाता था वो जनता तक प्रॉपर पूरा नहीं पहुंच पाता था, तो वो जो आरोप है आप उसको कितना सही मानते हैं? देखो, मैं इसमें भी कांग्रेस की बात रखूं, कांग्रेस की नज़रों में भी बातें आई, शायद राजेश पायलट जी का आपने नाम सुना हो, राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री रहे के हम पैसा भेजते हैं, वो बहुत कम पैसा जो है जा करके गाँव में लगता है, तो उसके लिए सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारा ये
क्या बोलते हैं आरटीआई बनाई। आरटीआई सबसे बड़ा हथियार था। कांग्रेस चाहती अपने आप को अगर सेव करना चाहती तो आरटीआई का गठन नहीं करती, आरटीआई नहीं बनाती। राइट टू इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा हथियार है, सूचना का अधिकार, जो एक आज गरीब आदमी और उस आदमी जो मतलब एक जिसको आईआरडीपी परिवार से, जो अगर वो परिवार से कोई आदमी है उससे तो उसके पैसे भी नहीं लिए जाते हैं। तो कांग्रेस ने ब्रह्मास्त्र जो है भारत की जनता को दिया है भाई। बाकी रही करप्शन की बात, अगर हमारे कहीं करप्शन हुई तो वो लोग सेफ नहीं है, वो जेल में गए हैं। आज मोदी जी की देख लो करप्शन किस तरीके से हो रही है। कहीं वो बनाया गया हमारा क्या बोलते हैं कि फसल बीमा योजना का, आप बताओ चंबा के ले लो आप, कितने लोगों को उसका पैसा मिला। हम टेलीविज़न के माध्यम से आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, किसी को 42 रुपये मिले, किसी को 40 रुपये मिले, किसी को 20 रुपये मिले। ये फसल बीमा योजना है या क्या वो करप्शन नहीं है? और वो बीमा कंपनियाँ भी नहीं बनाई गई, उनको अरबों के हिसाब से पैसा जो है उन्होंने अपने तिजोरी में रखा है। अभी हाल ही में पीछे एक वो आई के जो भारतवर्ष में जो ऐड दी गई उस ऐड के लिए अरबों रुपये लगा, क्या वो करप्शन नहीं है? वो अरबों रुपया गरीबों के खाते में जाता, वो जो 15 लाख का वो लेके चले थे, बताओ एक पैसा भी कहीं उसमें गया? दूसरी बात मैं और बताऊँ आपको कि बोला जी हमने जीरो बैलेंस से जो है वो अकाउंट शुरू किए, 30 करोड़ अकाउंट हमने खोल दिए। आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, जब मनरेगा बना था तो जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए गाँव गाँव में जाकर के, पर कांग्रेस ने इसका प्रचार नहीं किया। इनका तो ढोल पीटने का काम है, इतना सा काम होता है ढोल पीट पीट करके, पीट पीट करके उसको बहुत बड़ा बनाया जाता है। कांग्रेस काम करने में विश्वास रखती है, ढोल पीटने में विश्वास नहीं रखती। आज आपने ये बात जो की है कि पीएम वर्सेस सीएम वीरभद्र सिंह, तो सीएम वीरभद्र सिंह की बात जो ये है कि हमें ये जानकारी मिली कि 1962 में उन्हें पहली बार कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला था। उस समय से लेकर के लगभग 55 साल हुए, उस समय से लेकर के राजा वीरभद्र सिंह ने एक एक गांव में जाकर के भ्रमण किया है। कई गांव में तो पैदल गए हैं और लोग हिमाचल की जनता उनके साथ प्रेम करती है। रही मोदी जी की बात, मोदी जी के जो भी ये झूठे बातें थी जो उन्होंने सिर्फ एक जोर से एक कार्यशैली उनके पास बोलने की, बहुत अच्छी कार्यशैली है वो, तो अगर किसी गंजे को कंघा भी बेच दें तो वो कंघा भी आराम से बिकेगा। नहीं, पर एक बात ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से जो राजा वीरभद्र सिंह जी के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, शादी के टाइम पे, उनकी बेटी की शादी के टाइम पे जो है वो सीबीआई की रेड भी पड़ी, और ये भी जैसे प्रचार हो रहा है कि भाई जमानती सरकार है ये, तो उसके बारे में आप क्या करेंगे? क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, क्या है? मैं ये भी बहुत अच्छा सवाल किया और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे, बहुत गहन चर्चा में आप जा रहे हैं। आप मेरे को ये बताएं कि क्या मोदी सरकार का कोई आदमी जमानत पर नहीं है? अमित शाह खुद जमानत पर है, सुषमा स्वराज खुद जमानत पर है, अडवाणी जी खुद जमानत पर हैं, मुरली मनोहर जोशी जी खुद जमानत पर, कौन आदमी उनका जमानत पर नहीं है? अगर वो राजा वीरभद्र सिंह के ऊपर ये लांछन लगाए जा रहे हैं तो वो राज परिवार से था क्या? सुषमा स्वराज राज परिवार से थे क्या? इनके और नेता राज परिवार से हैं? अगर उनके पास कुछ धन निकला है, अगर बीजेपी के पास इतने सॉलिड सबूत हैं तो उनका अंदर क्यों नहीं करते हैं? अंदर करें ना उनको। ये तो सिर्फ एक भ्रमक प्रचार, उनको एक डोमिनेट करने की बात जो है उनके साथ की जा रही है। सर इलेक्शंस जब अब तो अनाउंस हो चुकी हैं, सीट कैंडिडेट भी डिसाइड हो चुके हैं, पर उससे पहले ये देखा जा रहा था कांग्रेस में बहुत सी उथल पुथल थी। कोई बड़े लीडर कांग्रेस के प्रदेश स्तर के जो लीडर हैं वो कभी कांग्रेस से बाहर जा रहे थे, अंदर जा रहे थे, जैसे बालीजी की भी स्वर कुछ ऐसे हो गए थे, और राजा वीरभद्र सिंह जी ने भी ये स्टेटमेंट दी जो जाना चाहता है वो जाए। तो वो कांग्रेस के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या एक अच्छा है जो अगर जिस तरह से लीडर्स, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर ऐसी राजनीति रहेगी तो कांग्रेस का क्या भविष्य रहेगा, आप बताएं। अब थोड़ा अध्यात्म को टच करते हैं इसके साथ। जब देवी देवताओं और राक्षसों का कुछ बीच में चला तो कहते हैं कि सागर मंथन हुआ था, तो पार्टियों में भी ऐसा होता है, कई लोग बीच में आकर के कुछ अलग से कार्य करना चाहते हैं, अलग तरीके से कुछ काम करना चाहते हैं, अलग विचारधाराएं होती हैं कि मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, तो इस कारण से थोड़ा बहुत उथल पुथल होता है। और जब सागर मंथन हुआ उसके बाद सांत भी तो हुआ था, जब सांत हुआ तो उसमें से
बहुत कुछ निकला, अमृत भी निकला, जहर भी निकला, हीरे जवाहरात भी निकले, कुछ और भी निकला। तो कांग्रेस में भी ये मंथन था, करना पड़ता है, करना चाहिए, होना चाहिए। जब मंथन होकर के कोई बात निकलती है तो अपने प्राय जो होते हैं वो सामने नजर आ जाते हैं। आज बाली जी की बात करते, बाली जी बिल्कुल कांग्रेस के साथ खड़े हैं। और मैं तो राजा वीरभद्र सिंह जी के हौसले को दाद देता हूँ और उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने कह दिया कि ठीक है कोई जाना चाहता जाए। पहले मैंने शुरू में भी कहा कि कांग्रेस का एक इतिहास है, कांग्रेस की नीतियों के ऊपर बनी हुई है, कांग्रेस किसी विचारधारा के ऊपर बनी हुई है। इस देश में विचारधारा की जरूरत है, इस देश में सबको समान रखने की जरूरत है। तो इसलिए जो मोदी जी की जो बातें हैं, आप खुद अंदाजा लगाएं, आज टीवी है, व्हाट्सएप है, गुजरात की बात की जाती है। तो आपको क्या लगता है, मोदी लहर हिमाचल में नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। इसका उदाहरण मैं आपको दे दूं, जो उसमें पंजाब में हुआ, कितने वोटों से हमारा कैंडिडेट जीता। अगर मोदी लहर होती तो बोलते नहीं जी वहाँ तो कांग्रेस की सरकार थी। मोदी की लहर थी, जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुए तब मोदी की लहर थी उसमें। ठीक है, हमारी सरकार होते हुए हमने सीटें हारी हैं, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार जो है एक साल में मिलेगा, तो उसका अंदाज़ा लगाओ 50,000 एम्प्लॉयमेंट पर डे मिलनी चाहिए। 50,000 एम्प्लॉयमेंट अगर पर डे मिलती है तो 2 करोड़ लोगों को साल में रोज़गार मिलता है। वो तो मिली नहीं है, 300-400 का आंकड़ा है, वो भी प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर भी बंद हुए हैं। हमारी चर्चा में जो है अब एक और शख्स जुड़ चुके हैं जो कि गुज्जर कल्याण बोर्ड के मेंबर हैं, साथ ही में पलियूर पंचायत के प्रधान भी हैं। सर, प्रदेश सरकार ने जो है गुज्जर समुदाय के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, थोड़ा सा आप इस बारे में बताएं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए काबिल समझा। ऐसा है कि कांग्रेस सरकार जो है वो एक ऐतिहासिक पार्टी है, उसकी सरकार है हिमाचल में, जैसा मेरे साथी विजय भाई ने बताया। कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा वाली पार्टी है जो सभी समुदाय, सभी क्षेत्र, सभी धर्म, सभी लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करती है। सरकारों का काम होता है अपनी जनता को बिना किसी भेदभाव के, बिना पक्षपात के मौके प्रदान करना, उनके लिए स्कूलों की व्यवस्था करना, सड़कों की व्यवस्था करना, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारे संसाधन जनता के लिए मुहैया करवाना। अब उसमें जनता का ये दायित्व बनता है कि वो अपने हिस्से का, जो उसका अधिकार बनता है, वो अपने कम्युनिटी को, अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे आगे लेके जाए, ये समुदाय पर डिपेंड करता है। जहाँ तक बात है कांग्रेस सरकार की और गुज्जर समुदाय की, कांग्रेस सरकार ने इस समुदाय को, क्योंकि ये जनजातीय समुदाय है, इसको खास तरह से आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई। जैसे अभी इस पिछले 5 साल की बात करें और मैं अपनी पंचायत की बात करूं, तो मेरी पंचायत एक गुज्जर बहुल पंचायत है जिसमें 2-3 वार्ड ऐसे थे जहाँ पर स्कूलों की कमी थी। तो हमने राय साहब से डिमांड की कि हमें स्कूल चाहिए, सबसे पहले मूलभूत चीज़ तो शिक्षा है। तो उन्होंने, यहाँ आपको याद होगा, यहाँ MP इलेक्शन के लिए राय साहब आए थे कैंपेन पे, यहाँ स्टेज से ही 3 स्कूल अनाउंस कर दिए मेरी पंचायत के लिए, प्राइमरी स्कूल, एक स्कूल को अपग्रेड करके मिडिल कर दिया, एक को अपग्रेड करके हाई स्कूल कर दिया। तो एजुकेशन में उन्होंने मौका दे दिया कि आप ये स्कूल लो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, उसको सहूलतें मिल रही हैं। कुछ लोग जो घुमंतू लोग थे कुछ साल पहले, जो चलते थे धारों पे नीचे, तो हमने गुज्जर कल्याण बोर्ड में डिमांड उठाई कि राय साहब उनके लिए जो है ऐसा स्कूल चाहिए जो उनके साथ साथ चले, कोई 4-6 महीने ऊपर रहते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। तो मोबाइल स्कूलों की व्यवस्था की, जहाँ पे ये भी नहीं हो सकता वहाँ पे NRVC सेंटर खोले गए। और इन सभी समुदाय के लिए, साथ साथ गुज्जर समुदाय के लिए, उन्होंने एक स्टेट लेवल का गुज्जर कल्याण बोर्ड का गठन किया जिसमें एक गरीब से गरीब आदमी, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, सब जाकर के राय साहब के साथ बैठकर, उनकी चेयरमैनशिप में बैठकर के अपनी समस्याओं को बताते हैं। तो जो समस्या उनकी उठ के आती हैं उसको उसी टाइम पूरी सरकार बैठी होती है, राय साहब आदेश करते हैं भी इनका बिजली पानी जो भी इनकी डिमांड है उनको पूरा करो। ये तो होगी उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की बात। अब आज का दौर जो है वो है कंपटीशन का दौर है जी, ठीक है, मुकाबले का दौर है। आपको नौकरियाँ चाहिए
तो अब वो ज़माना चला गया कि आपको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाहिए किसी नौकरी के लिए। अब आपके अंदर अगर काबिलियत है, आप अगर मेरिट में आते हो, डिज़र्व करते हो, तो आप अपने आप आपको नौकरी मिलेगी। ये एक सिस्टम बना दिया है सरकार ने। तो जो डिमांडें हमारी होती थी, वो जो होने का वाला, वो ऑन स्पॉट कांग्रेस सरकार ने की है। एक बनबंधु कल्याण योजना चली है, पूरे यूपी सरकार का एक प्रपोजल था वो, जो 2014-15 में शुरू हुआ। हिमाचल में भी एक ब्लॉक चंबा ब्लॉक है, तो उसमें बहुत सारा करोड़ों रुपये बजट है उनके रोज़गार के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो वो सारा एक सिस्टम एक ब्लॉक में चल रहा है। उसके अलावा हिमाचल में इस तरह से बहुत सारी स्कीमें हैं जो स्पेशल शेड्यूल ट्राइब के लिए या गुजर कम्युनिटी के लिए, इसका फ़ायदा हमारी कम्युनिटी ले रही है। लेकिन रोज़गार जो है सरकारी नौकरियों में, क्योंकि हमारे बच्चे अभी ट्राइबल होने की वजह से उस कंपटीशन को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं जी, तो इसलिए रोज़गार में हमारे जो है वो चांसेस कम हैं, हम नहीं ले पाए हैं। ये इसमें थोड़ी कमी हमारी कम्युनिटी के है। और कुछ सरकार को हम ये चाहते हैं कि आने वाले राय साहब से, हमें ये पूरा विश्वास है कि राय साहब सातवीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, और उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि एक मतलब एक अति पिछड़ा जो वर्ग है उसको कैसे थोड़ा सा रिलैक्सेशन देकर, उनको थोड़ा सा राहत देकर के कैसे रोजगार के साथ जोड़ा जाए। शिवांग जी, चंबा विधानसभा क्षेत्र से आपने भी टिकट के लिए अप्लाई किया था, तो जैसे कि ये आवाज़ भी बीच में उठी थी कि जो ये टिकट जो है वो आपको मिलनी चाहिए, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे हर व्यक्ति के हितों को जो है बिल्कुल समझा भी जाता है और उसकी जो है कदर भी की जाती है। मोहतर जी, मैं एक बड़े ही साधारण परिवार से संबंधित हूँ, और हिमाचल प्रदेश में जिन तीन व्यक्तियों का नाम उस पैनल में गया था, उसमें मेरा नाम भी था चंबा विधानसभा क्षेत्र से। तो मेरे लिए यही बड़ी गर्व की बात है कि मेरा नाम वहाँ तक पहुँचा। अगर कहीं मैं भाजपा या किसी और पार्टी से संबंधित होता तो शायद मेरा नाम ब्लॉक में ही काट दिया जाता जी। तो मैं नहीं समझता कि आपकी जो आपने जो बात कही, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। और कांग्रेस ने आज हिमाचल प्रदेश में सभी युवाओं को पूरा मौका दिया, उनकी पूरी बात रखी गई। हिमाचल प्रदेश की जो चुनाव जो समिति थी उसमें सभी के नामों पर चर्चा की गई, और जो व्यक्ति जीतने की क्षमता रखते थे उनके नाम जो CEC सेंट्रल इलेक्शन कमीशन तक भी भेजे गए, और उनके नामों पर भी चर्चा हुई। पर कहीं ना कहीं राजनीति में चुनाव जीतना जो है वो हमारा मुख्य उद्देश्य है, तो इसमें जो है मतलब इस तरह नहीं समझना चाहिए कि उसको टिकट मिली और मेरे को नहीं मिली, या मतलब द्वेष भावना नहीं होती है। ये एक मतलब एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है, ठीक है, जिसको मिली है हम सब उसके साथ हैं। पार्टी को जिताना हमारा मुख्य लक्ष्य है, और राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में जो मिशन रिपीट 2017 कराना वो हमारा मुख्य उद्देश्य है, और उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। मैंने ये सवाल आपसे इस करके पूछा क्योंकि आपसे जुड़े यूथ से, जो कांग्रेस यूथ से जुड़े लोग थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें आपकी टिकट को लेकर बात की गई, तो तभी मैंने ये सवाल आपसे पूछा था। ऐसा है कि हम लोग भी पिछले 10-15 वर्षों से लगातार चंबा विधानसभा क्षेत्र में और चंबा जिला में युवा कांग्रेस के लिए, पहले NSU के लिए कार्य किया, फिर युवा कांग्रेस के लिए लगातार कार्य करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का एक हमारे प्रति प्यार था, उसको दिखाने के लिए उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मैं दिल्ली में था, और अगर ऐसी कोई बात होती तो मतलब आप जो पत्रकार थे मुझे फ़ोन कर रहे थे, मैंने उन्हें मना किया कि भाई मेरी तरफ से जो है कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ पार्टी के साथ हैं और कभी भी पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे। सर, जैसे कि ये जो चर्चाएं चल रही हैं, जो केंद्र सरकार की जो नोटबंदी की नीति है और GST की जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, तो क्या लगता है जो इससे कांग्रेस को बेनिफिट होगा कि जो नीतियां जो चलाई गई हैं, GST जो मतलब कि टैक्स जो लगाया गया है, तो क्या लोग भी, जैसे कई व्यापारी वर्ग भी जो है निराश है, क्या कांग्रेस को इसका बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल 100% बेनिफिट मिलेगा। आप की जानकारी के लिए बता दूं कि GST कांग्रेस ने ही इसका शुरुआत की थी, पर उसका मैक्सिमम टैक्स था 18% तक, और उन्होंने 28% तक लेके गए जी। अब एक किसान है, जो किसान की बात करते हैं, एक किसान के जो ट्रैक्टर खरीदता है उसके ऊपर टैक्स है 12%, जो लग्जरी गाड़ी खरीद रहा है उसके ऊपर है 6%, 5%, तो कहाँ किसान इनको माफ़ करेगा जी? नहीं करेगा माफ़। आप गुजरात की तरफ देख लो जाकर, जहाँ गुजरात 25 साल तक इनका राज रहा, आज गुजरात इनके कहीं आप व्हाट्सएप पे देखो, TV पे देखो, इनके पोस्टर नहीं लगने दे रहा है
जी होल्डिंग नहीं लगने दे रहा है। क्यों? क्योंकि जीएसटी से बहुत नुकसान हुआ है, युवाओं को नुकसान हुआ है, हमारे दुकानदार वर्गों को नुकसान हुआ है, छोटी मोटी दुकानदारी करने वालों को नुकसान हुआ है, कंपनी वालों को नुकसान हुआ है। तो जीएसटी लाना था तो उस टाइम तो उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया। तो जीएसटी की नीति जो है इन्होंने गलत नीति अपनाई है। बाकी नोटबंदी की बात रही, नोटबंदी ठीक है, अगर आपने कोई नोट बंद करने हैं कम से कम अपने आप पहले अपने संगठन में इसको बात करते, चर्चा इसके ऊपर करते, कहीं सरकार में चर्चा करते, विपक्ष के लोगों को साथ आप लेकर के चलते। आज मैं आपको बताऊं कि जब कांग्रेस की सरकारें थी तो हमारे जो प्रतिनिधि मंडल कहीं फॉरेन में जाते थे, दूसरे देशों में जाते, तो विपक्ष के नेताओं को लेकर के जाते थे। आज मैं आम आदमी की पार्टी की बात करूं दिल्ली में, तो उन्होंने दो भाजपा के उसमें थे क्या बोलते हैं एमएलए जीते थे, उन्होंने उनका विपक्ष बनाया और भारत सरकार ने तो विपक्ष भी बनने नहीं दिया। जब आपके पास विपक्ष नहीं आप बनने दोगे, उनकी बात नहीं सुनोगे, तो सारी बातें कहाँ सच साबित होंगी। तो नोटबंदी का असर भी पड़ेगा और जीएसटी का असर भी पड़ेगा। इसके विरोध में जो है लोग कांग्रेस को वोट देंगे, और हमें पता है कि राजा वीरभद्र सिंह की जो नीति है, जहाँ राजा वीरभद्र सिंह के जो नेतृत्व है उसमें लोगों का विश्वास बन रहा है, बहुत ज़्यादा विश्वास है, और इसी कारण हम मिशन रिपीट करेंगे। सर एक बात आप भी देखते होंगे मीडिया में ये चीज़ें आई हैं कि नड्डा जी ने ऐसी स्टेटमेंट दी है, कई और नेताओं ने, बीजेपी नेताओं ने ये स्टेटमेंट दी है कि जो केंद्र से जो पैसा आता है प्रदेश सरकार को, जैसे पिछली बार अभी जो है रोड्स के लिए, नेशनल हाईवेज के लिए जो पैसा है उसके लिए पर जो प्रदेश सरकार है वो कॉपरेट नहीं कर रही है सेंटर को, DPR बना के नहीं दे रही है, जो जहाँ इंस्टीट्यूट को खोलना है उसके लिए जगह नहीं मुहैया करवा के दे रही है, उस आरोप को देखो सर बात रही जो सेंटर का पैसा आता है, कोई नई बात नहीं है कि मोदी सरकार बनी तो पैसा रहे। मैंने शुरू में कहा था कि नीतियाँ बनी हुई हैं, ये पैसा सरकारें हर प्रदेश को देती हैं, और प्रदेश में आज आप देख लो कौन से सड़कों की बात करते हैं, कहाँ काम नहीं लगे हुए हैं, कौन सी सड़क के ऊपर काम नहीं हो रहा है, कौन से जो आपके मेडिकल के क्षेत्र में देखें हॉस्पिटल में कौन सा काम नहीं हो रहा है, एजुकेशन के क्षेत्र में देखें कौन सा काम नहीं हो रहा है, RTE कौन लाया था, UP सरकार लाई थी, उसके ऊपर काम हो रहा है। ये तो सिर्फ एक लांछन है, बाकी नहीं भाजपा की बात, भाजपा की बात देखो आज उनके पास लीडर ही कोई नहीं है। धूमल साहब नड्डा साहब को हराने में लगे हैं, नड्डा साहब शांता कुमार के कैंडिडेटों को हराने में लगे हैं, कहाँ जीत हासिल होगी। अब चंबा की बात देख लो, एक बार मतलब कांग्रेस से कैंडिडेट चुरा करके अपनी पार्टी में लाए। मैं आपको बताऊं जो कार्यकर्ता को मनोबल गिरा है, इस तरीके से कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है। हमारे यहाँ सरोल से हैं जो युवा मोर्चा के हैं धीरज जी, बड़ा प्रयास किया उन्होंने टिकट के लिए, करना भी चाहिए। इंदिरा कपूर जी हमारे जो लगातार 3 बार जिला परिषद मेंबर जीत के आए, वार्ड मेंबर से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, और सोनी जी देखो कितने सालों से काम कर रहे हैं, उनको दरकिनार करके दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को उठा करके अपना कैंडिडेट बना दिया, तो क्या वो लोग उनको सपोर्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। बाहर से चल ले हंस लें कुछ भी कर लें, पर अंदर से जो भीतर घात उनके ऊपर होगा होगा। क्यों नहीं हो, क्यों होगा? क्योंकि उनके पास लीडर ही कोई नहीं है। हाँ उनके पास अगर आज लीडर होता तो हो सकता उसकी रहनुमाई में कोई ना कोई अपने विश्वास को व्यक्त करता जी। हमारे कांग्रेस के पास नेतृत्व है, हमारे कांग्रेस के पास लीडरशिप है, हमारा एक एक नेता जो है वो राजा वीरभद्र सिंह के ऊपर विश्वास कर रहा है और राजा वीरभद्र सिंह की नीतियों को अपनाने का प्रयास कर रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं में देखो कितना जोश है, क्यों जोश है? क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह हमारा नेता है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस काम कर रही है, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस काम कर रही है, इनके पास तो है ही कोई नहीं। बाकी अमित शाह की बात करते हैं आप, आज अगर उत्थान हुआ है देश में किसी का तो अमित शाह का बेटा जो आप TV में देखो, क्या उसकी रिटर्न थी 3 साल पहले? 16,000 करोड़ रुपया जो है मतलब एक आदमी की बढ़ोतरी हो जाती है, एक आम आदमी को 5 पैसे नहीं मिलते हैं। जेटली की बढ़ोतरी हो जाती है पर्सनल अकाउंट में, रामदेव जी की बढ़ोतरी हो जाती है। आज रामदेव जी का आप देखो, रामदेव जी का जो है जब उन्होंने काला धन किसी कौन सा काला धन है इंडिया में वापस आया, कौन सा पैसा भारत देश में वापस आया? और अगर काले धन की लिस्ट देखी जाए तो भी नहीं बीजेपी के लोगों के पास, क्यों नहीं उनके ऊपर एक्शन कर रहे हैं? तो ये फायदा कांग्रेस को मिलेगा, निस्संदेह मिलेगा। और मैं हिमाचल की बात नहीं करता हूँ, हम गुजरात भी जीतेंगे और आने वाले जितने इलेक्शन उनको जीतेंगे जी। अगर इसके ऊपर कोई चर्चा करना चाहता तो हम तो सामने खड़े आए, हमारे साथ कोई चर्चा करे इस बारे के बात के ऊपर।
सर, अब मैं इस चर्चा को चंबा की ओर लेके जाना चाहता हूँ। सर, पिछली बार भी चुनावों में जो है मुद्दे जो थे सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर था, पर जब देखा जा रहा है कि आरोप लगते आ रहे हैं कि उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई। स्कूल तो खोले गए पर टीचर्स नहीं हैं, सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं, स्वास्थ्य के लिए जो है वो हॉस्पिटल तो हैं पर डॉक्टर नहीं हैं, जो जनता ऑब्जर्व कर रही है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जहां आपने सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की है, तो हिमाचल चंबा जो है हमारा, चंबा कितना क्रिटिकल एरिया है, इतने इतने बड़े पहाड़ हैं, लाखों रुपये जो है 10-10 मीटर 100-100 मीटर सड़क बनाने में लगता है, पर फिर भी कौन सा एरिया जहाँ सड़क नहीं है? आप भरमौर की तरफ जाओ, जहाँ हम सोच भी नहीं सकते थे वहाँ भी सड़कें पहुँची हैं। क्या बीजेपी ने पहुँचाई? सब कांग्रेस की देन। पांगी की तरफ चले जाओ, चुरा की तरफ चले जाओ, चंबा का देख लो आप, सुनारा तक, कुंडी तक चले जाओ, तुर तक चले जाओ, बरेई तक चले जाओ। अगर इस तरफ आप जाते हैं तो जोत क्रॉस कर लो, उससे आगे कोलका तक, झटकरी तक चले जाओ, वहाँ सड़कें हैं। परली तरफ, साहू की तरफ जाते हैं, कुरैना तक सड़क पहुंची है, लग्गा तक सड़क पहुंची है। आप उटीप की तरफ जाते हैं तो इसकी तरफ आगे चले जाओ आप, शेरी तक सड़क पहुंची है, उससे आगे जाकर के सड़क पहुंची है। तो सड़कें बन रही हैं, विस्तार हो रहा है। रही स्वास्थ्य सुविधाओं की बात, अगर हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं है तो डॉक्टर कहाँ से आएंगे? बीजेपी भी तो सत्ता में रही है, 4 बार सत्ता में बीजेपी रही, बताओ कितने का मेडिकल कॉलेज खोले? अगर हमारे पास मेडिकल कॉलेज ही नहीं है तो डॉक्टर कहाँ से पैदा होंगे? एक डॉक्टर को निकलने में 5 और 6 साल लगते हैं। आज देखो कितने मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। किसने दिए? यूपीए गवर्नमेंट ने दिए, कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिए। चंबा जैसी जगह में कोई सोच सकता था मेडिकल कॉलेज होगा? और आपको मैं तो बड़े दुख के साथ इस बात को कहता हूँ कि नड्डा जी तो, क्योंकि सेंटर के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, नड्डा जी उद्घाटन करने के लिए चंबा नहीं आए, राजा वीरभद्र सिंह जी को मजबूरी में वहाँ ऑनलाइन उद्घाटन करना पड़ा। क्या है भला चाह रहे हैं लोगों का? बात तो भ्रमित करने से जनता भ्रमित होने वाली नहीं है, जनता सब जानती है। आपने शिक्षा की बात की, स्कूल है, टीचर नहीं है, तो पीटीए किसने शुरू किया? और वो भी उसकी एक मापदंड बनाया गया, क्वेश्चन उसमें नंबर देने का तरीका रखा गया, और गांव के लोगों को शिक्षा में जो है इस क्षेत्र में रोजगार मिले, अभी SMC के माध्यम से तो उसमें क्षेत्र के नंबर रखे गए, एजुकेशन के नंबर, बताओ कहाँ हो रहा है? क्योंकि हसन जी ने कहा, बड़ा अच्छा सवाल किया, अभी तक हमारा चंबा के लोग जो है कंपटीशन लड़ने के लायक नहीं है, तो गांव के लोगों को भी रोज़गार मिले, तो PTA माध्यम बनाया गया, SMC माध्यम बनाया गया, कोई और तरीका माध्यम बनाया गया। बीजेपी के टाइम में वॉलंटियर टीचर का सिस्टम चला था 1992 में, और उसमें सिर्फ कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपने जो है रोज़गार दिए थे। आज भी अगर उनकी पृष्ठभूमि देखी जाए, जो वॉलंटियर टीचर लगे हैं सब RSS और BJP के कार्यकर्ता हैं, उसमें कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। आप कलोत्ता में चलो, BJP परिवार के लोग वहाँ रोज़गार ले रहे हैं, क्योंकि नीति बनाई गई उसके ऊपर भी। तो मैं नहीं समझता कि कहीं स्कूलों में जो है टीचरों की कमी है। आज सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से कौन सा दिन है जिस दिन इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं? कौन सा वक्त है, कौन सा महीना है जिस दिन कोई नई ऐड नहीं निकल रही है? शिवांग जी ने बड़ा अच्छा कहा कि लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार दिया गया सरकारी क्षेत्र में। आप चंबा की बात करते हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियां खोली चंबा में, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन खोला गया, खादी बोर्ड के माध्यम से हथकरघा के स्कीमें चलाई गई। और मैं बताऊं कि जब BJP की सरकार थी, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन को बंद किया गया, जिसमें जूते बनते थे, शॉल बनते थे, चंबा रुमाल बनता था, जो अपने मूर्तियाँ बनती थी, कहाँ है आज सारा कुछ? इस तरीके से बंद किए इन लोगों ने कि आहिस्ता 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 सब हरास हो रहा है। सर, मैं ये चीज़ एक और पूछना चाहूँगा, प्रकृति ने चंबा को बहुत अच्छा बनाया है, सुंदर है चंबा देखने में, पर हम लोग जो हैं, जैसे अब शहर में आते हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कोई टूरिस्ट आता है उसको कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ वो गाड़ी खड़ी कर सके, ना कोई अच्छा ऐसा होटल है जहाँ वो रह सके, तो उस व्यवस्था को कैसे ठीक किया जा सकता है? देखो सर, मैं एक बात बताऊं कि आपने एक शुरू में एक बात कही थी कि 10 साल हर समाज को यहाँ से गए हुए, तो उसके बाद BJP की सरकार बनी, BJP का विधायक बना, तो सब जानते हैं कि उस समय में एक स्कूल तक नहीं खुला वहाँ पिछले पूरे 5 सालों में। फिर हमारा दुर्भाग्य रहा कि अगली सरकार कांग्रेस की बनी और विधायक फिर BJP का बना, पर फिर भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे
चाहे वो किसी भी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन से थे, चाहे वो डायरेक्ट लिंक रखने वाले थे, कितने स्कूल खोले गए, कितना कुछ जो है क्या बोले संस्थान खोले गए। रही पार्किंग की बात, आपने बहुत बड़ी बात की, बस स्टैंड को चेंज किया गया, बस स्टैंड निचली उसमें गया, आज नगर परिषद में करोड़ों रुपया पड़ा है, करोड़ों रुपया। उसकी जो कहीं रूपरेखा बननी है वो कौन बनाएगा? नगर परिषद बनाएगी। नगर परिषद काम करके राजी नहीं है। अब मैं नाम लूँ तो कुछ और बात हो जाएगी, तो आप जानते हैं कि नगर परिषद की अध्यक्षता कौन है? पिछले टर्म में बीजेपी ने एक चलाया था सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाए। मैंने शुरू में कहा कि पंचायती राज और नगर निगम नगर पंचायतें, इनके इलेक्शन सिंबल पे नहीं लड़े जाते हैं, इनके इलेक्शन पार्टी विशेष से लोग नहीं होते हैं, ये तो बाद में कंसीडर करते हैं मेरी पार्टी नहीं होते हैं। तो उस टाइम भी इलेक्शन हुआ, जब ये नगर पंचायतें होती है, नगर परिषद होते हैं, इसमें जो होता है जो नॉमिनेट जो चुन करके लोग आते हैं वो अपना अध्यक्ष चुनते हैं। तो धूमल साहब ने उस टाइम भी कर दिया कि पूरे नगर परिषद का अध्यक्ष जो है वो पूरे वार्ड से चुनाव लड़ेगा। कहाँ डेवलपमेंट होनी थी? आज़ाद कैंडिडेट को जो है लोगों ने चुना जी, है ना। तो इस कारण आज पार्किंग की बात आप करें तो करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। आप आरटीआई के माध्यम से पूछ सकते हैं, आप तो पत्रकार हैं, जाके पूछो कितना पैसा पार्किंग के लिए पड़ा है, कौन जगह उपलब्ध करवाएगा, उसके लिए कौन प्रयास करेगा? सरकार जिम्मेवार नहीं है, सरकार पैसा दे सकती है, ये नगर परिषद जिम्मेवार है। बाकी सफाई की व्यवस्था देखो आप, कूड़ा इकट्ठा किया मोदी जी का कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत क्या कांग्रेस के टाइम में स्वच्छता नहीं थी? आज स्वच्छ भारत तो आपने डिक्लेयर कर दिया, पर उसके लिए क्या सेंटर से कोई विशेष पैसा दिया? कोई ऐसा संयंत्र चंबा में लगे जो उसको रिसाइकल करके जो है उस कचरे का जो है कोई खाद बनाई जाए, कोई और उसका इस्तेमाल किया जाए? वो तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जरूरी है। तो और नगर परिषद क्या कर रही है? जाओ कहीं रावी के किनारे चले जाओ, रात को कूड़ा फेंका जाता है और पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाती है। आप आए दिन देखते हैं अखबारों में छपा जी, ये नगर परिषद की नलायकी है। एक सवाल मेरा आपसे और है, जैसे कि जो भाजपा के विधायक थे बीके चौहान जी, उन्होंने नॉमिनेशन एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भरवाया है, क्या इन चुनावों में उनका कोई प्रभाव रहेगा? सर वो तो जो लोग उनके साथ जुड़े हैं उसका जवाब वही दे सकते हैं, क्योंकि ना वो हमारे विधायक थे, हमारी पार्टी से नहीं थे, बीजेपी के लोगों ने जो है उन्हें टिकट दिया था और बीजेपी के लोगों ने ही उन्हें निकाला। बाकी उनका ये जरूर हमने सुना है, हमारा कोई ऐसा उनके साथ वास्ता नहीं पड़ा, कि अच्छे आदमी थे। अब उनको कितने के लोग कंसीडर करते हैं नहीं करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर मैं नहीं बोल सकता। पर आपने हमारे ऊपर एक क्वेश्चन जरूर किया कि राज सिंह को आपने खड़ा किया, हमने खड़ा नहीं किया। अभी के चौहान जी को किसने खड़ा किया? हमने तो नहीं खड़ा किया, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, है ना। डीके सोनी जी को किसने खड़ा किया? हमने तो नहीं खड़ा किया। नहीं, मैंने तो ये बात इस करके छेड़ी थी क्योंकि पिछले एक इंटरव्यू में उन्होंने हमारे चैनल पे ये बात कही थी कि अगर हर्ष महाजन जी आते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चाहे कोई और कांग्रेस का क्यों ना कोई खड़ा हो जाए, मैं चुनाव लड़ूंगा। सर ये अपने अपने, मैंने इस लिहाज से आपको ये सवाल किया था, पता है एक अपने, या तो उनको मनाया गया नहीं, ऐसा आप नहीं, इस बात को यहाँ क्योंकि ऐसी शिवानी जी ने आपको एक बहुत अच्छा जवाब दिया कि आपने बोला कि आपके जो फेवर के लोग थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शिवांग को टिकट नहीं दिए तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा नहीं है सर। विचारधाराएं होती है, कई लोगों के अपने प्रभाव होते हैं, कई लोगों की अपनी कार्यशैली होती है, उसके साथ लोग जुड़ते हैं। तो उस अवेश में अगर राज सिंह ने कोई इंटरव्यू दिया होगा तो राज सिंह जी जाने जी। और उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम नहीं किया, और अगर वो खड़े हुए थे तो भी पार्टी छोड़ के खड़े नहीं हुए थे, पार्टी के साथ विरोध था इसलिए खड़े हुए थे। मैंने आपको कहा कि वो सस्पेंड किए गए थे, उनसे नोटिस उनको दिया गया था कि बताओ आप क्यों खड़े हुए, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा और कांग्रेस को लगा वाकई ऐसा हुआ, उन्होंने कांग्रेस ने इसको फिर जो है जो सस्पेंड किया गया था उसे बहाल किया और कांग्रेस में पुनः काम कर रहे जी। संदीन जी, पिछले कुछ समय पहले जो है चुरा क्षेत्र में एक दंगा भड़का था, आपको शायद याद होगा जी, जिसको एक सांप्रदायिक दंगा कहा गया था या बताया गया था, तो क्या इसका प्रभाव जो है इन चुनावों में पड़ सकता है? पुनीत जी, ऐसा है जहाँ तक मैं अपने चंबा को जानता हूँ और मैं बहुत सारी एनजीओस के साथ जुड़ा रहा हूँ, भारत के अलग अलग राज्यों में जाने का मौका मिला है, वहाँ का भी हमने माहौल देखा है, लोगों का भाईचारा देखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भाईचारा चंबा जिला का है, पूरे ज़िला का, यहाँ पे जिस तरह से हम सभी लोग चंबावासी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, जिस भाईचारे से जिस आपसी प्रेम भाव से यहाँ रहते आए हैं सदियों से, यहाँ पे कोई ऐसा तत्व जो है
अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सकता कि वो हमें लड़ा ले। जहाँ तक आपने चुनाव की बात की है, वो आप सभी हम जानते हैं कि क्या इशू था वैसे वीसी के लिए, कोई स्कूल का कुछ इशू था, लेकिन उसको किसी पार्टी विशेष के लोगों ने जो है एक अलग दिशा देने की कोशिश की। वहाँ पे हम सभी जानते हैं कि बहुत हंगामा हुआ, लेकिन जिसे दंगा कहते हैं वो दंगा होते होते बचा, और वो बचाया भी उन्हीं चुराह के लोगों ने। बीच में हिंदू बुद्धिजीवी भाई अपने सामने आए, मुस्लिम जो समझदार लोग भी सामने आए, स्थानीय प्रशासन ने कोशिश की। और मैं आपको जो भाईचारे की बात बोल रहा हूँ, वो हम सभी शायद इससे सहमत होंगे कि प्रॉपर चंबा शहर और चुरापूरा ये अपने आप में अलग मिसाल है एक भाईचारे की। चंबा में हम देखते हैं कि हमारे हर 10 किलोमीटर के बाद में, 5 किलोमीटर के बाद अपनी हमारी भाषा बदल जाती है थोड़ा, लेकिन पूरा चुरा जो है वो एक रंग में रंगा हुआ है सदियों से। उनकी भाषा, वेशभूषा, उनके कल्चर सब मिलता जुलता है। तो ये लोग कोशिश करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये ऐसी कोशिश करते हैं कि इसको ऐसा रूप दिया जाए कि कुछ हिंदू मुसलमान का मसला बन जाए जिसमें पार्टी विशेष को फ़ायदा हो। लेकिन ये हम समझते हैं इस चीज़ को, पूरे भारतवर्ष के लोग, पूरे हिमाचल के लोग, चंबा के लोग अब इस चीज़ को समझ चुके हैं कि इन लोगों का ये एक सियासी एजेंडा है। ये उसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उसके ऊपर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका लाभ देने के लिए अब जनता तैयार नहीं। हसन जी, इस थोड़ा समय आपसे ये और बात चर्चा करना चाहता हूँ कि कुछ एक टाइम ऐसा आया पीछे, जैसे गौ हत्या के ऊपर सिलसिलेवार कुछ एपिसोड चलने शुरू हो गए, महिला साइड जो है या आगे पीछे भी है, तो वो सिलसिलेवार चीज़ें जो शुरू हुई, तो उसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ हो सकती है? देखिए, एक मैं आपको बात बताता हूँ कि अच्छे और बुरे लोग जो हैं हर कम्युनिटी में होते, हर समाज में, हर क्षेत्र में। वहाँ क्या सच्चाई थी, हम भी वहाँ तक नहीं गए जो गौ हत्या की आपने बात की, लेकिन ये सामने आया कि कुछ हुआ था, कुछ गलत लोगों ने गलत काम कुछ किया था। तो उस चीज़ को जो है बड़ा बढ़ा चढ़ा के जो है वो बताया गया, बनाया गया, कोशिश की गई, लेकिन उसमें भी हमारी सभी लोगों ने मिलजुल के, सभी संगठनों की प्रशासन ने मीटिंग की, उसमें ये मुद्दा सुलझ गया। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल से लगातार एक पार्टी विशेष जो है, कुछ लोग जो हैं कोशिश में हैं कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा माहौल बनाया जाए, ऐसा माहौल बनाया जाए कि 2 पैरलर बॉडियों को खड़ा कर दिया जाए जी, ठीक है, जिसमें सेकुलर लोग हों और एक तरफ से कट्टरवादी लोग हों, और उसके बेस पे जो है वो राजनीति की जाए जी, जो कि भारत के लोग समझ चुके हैं। आप हम मैं आपको थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के बताता हूँ कि आज सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है, राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने उठाया, कितने सालों से उठा रहे हैं। कोई चंबा का आदमी जा करके अयोध्या में मस्जिद में नमाज नहीं पड़ेगा, बाबरी मस्जिद में नहीं पड़ता, ना पड़ेगा। कोई हिंदू चाह से जाकर के वहाँ पे पूजा नहीं करेगा। वह जो है लोकल लोग आज भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि लोकल लोग जो हैं आपस में मिलजुल के बैठ करके उस मसले का हल करो, और वो लोग कह रहे हैं कि सरकार हमारी है, आओ बैठो। मुसलमान भी कह रहे हैं, हमने टीवी पे सुना है कि आओ यहाँ पे मंदिर बनाओ। आप क्यों नहीं बना रहे? इसलिए नहीं बना रहे हैं कि अगर मंदिर बन जाएगा तो मुद्दा ख़त्म हो जाएगा, 2019 में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम एक दूसरे की भावना को ठेस पहुँचाएं। ये ज़बरदस्ती का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, और इसके पीछे मकसद जो है वो सियासी है। जबकि लोग आज की डेट में रोज़गार चाहते हैं, विकास चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं, बिजली पानी की सुविधाएं चाहते हैं, सड़कें चाहते हैं, अच्छे हॉस्पिटल चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज चाहते हैं, अच्छी नौकरियाँ चाहते हैं। बीजेपी वाले वो काम करनी, या जो भी जो ये पार्टियाँ हैं, ये वो काम नहीं कर सकती। इनका काम है काम कुछ नहीं करना, लोगों को लड़ाना और राज करना, अंग्रेजों वाली पॉलिसी जो आज भारत की जनता पढ़ लिखी है। आज वो इन मुद्दों को इग्नोर कर रही है। आज सिर्फ और सिर्फ मुद्दा जो वो विकास है, डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट तभी होती है पुनीत जी जब हम चार भाई यहाँ बैठे हैं, हम सुकून से, अमन से, शांति से अगर रहेंगे, हमारे दिमाग में कोई फतूर नहीं होगा, तब हम तरक्की कर सकते हैं। विजय जी, आप प्रधान भी रह चुके हैं, जैसे कि जो नरेंद्र मोदी जी की आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, टीवी पे भी सुनी होगी, वायरल भी हुआ यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी आपने देखा होगा, उन्होंने मनरेगा जो है वो सबसे बड़ी नाकामी बताया है कांग्रेस सरकार की। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप, क्योंकि वही बात आ गई, करप्शन के आरोप लगे,
ठीक है ना जी, तो क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? पुनीत जी, जहाँ मनरेगा जो कि पहले नरेगा होता था, उसको बाद में महात्मा गांधी के साथ जोड़ा गया, मनरेगा बना, और पूरे विश्व ने उसकी सराहना की, पूरे विश्व में भारतवर्ष ने एक ऐसा कार्यक्रम चलाया है, कार्यक्रम नहीं चलाया है, और ये कानून है, एक्ट है, ये मनरेगा जो है एक्ट है, योजना नहीं है। और इसके लिए नाकामी की बात करते हैं, फ्लॉप होने की बात करते हैं, जिसमें किसान अपने ज़मीन की जो है वो पैदावार बढ़ाने के लिए अपनी लैंड डेवलपमेंट भूमि के सुधार कर सकता है, छोटी छोटी नहरें बना सकता है, छोटे छोटे चेक डैम बना सकता है, कहीं रास्तों का निर्माण कर सकता है, कहीं अपने क्षेत्र में प्लांटेशन कर सकता है, अपनी जीविका को और बढ़ाने के लिए, जिसमें आज जो है आपके हॉर्टिकल्चर मिशन के लिए उसमें भी मनरेगा में पैसा मिल रहा है, आपको क्या बोलते हैं सब्जियों का उसके लिए पैसा मिल रहा है, तो ये कहाँ फ्लॉप है? ये फ्लॉप नहीं है, पर इसको फ्लॉप किया जा रहा है, इसको फ्लॉप किया गया है। बाकी करप्शन की बात रही कि जब पैसा आ गया तो ये प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। मैं एक बात आपको और बताऊं, और आपके नॉलेज के लिए, जनता की नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, जब यूपी ने ये मनरेगा शुरू किया तो उसके साथ एक सोशल ऑडिट कंपल्सरी है कि सोशल ऑडिट होना चाहिए, जो स्थानीय लोग उसका मूल्यांकन करते हैं, जो पैसा जो है मनरेगा में खर्च हुआ उस पैसे के बिल वोचर मुस्ट्रोल जो है वो पंचायत घर में रखा जाता है, और हर 6 महीने के बाद वो सोशल ऑडिट होता है। और जब बीजेपी की पिछली गवर्नमेंट थी उसमें हमारे जयराम ठाकुर जी पंचायती राज मंत्री थे, धूमल जी मुख्यमंत्री थे, तो उसमें सोशल ऑडिट बंद कर दिया गया। तो करप्शन का रास्ता इन्होंने खोड़ा, कांग्रेस ने नहीं खोड़ा। आज भी आप इसका जो है एक्ट के उसके आरटीआई के माध्यम से उसको निकालो, क्या क्या सोशल ऑडिट है, और अगर है तो क्यों नहीं हो रहा है जी? और अगर कहीं चोरियां थी तो उसमें जो निचले स्तर के, जो जिला स्तर के अधिकारी थे, जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन बातों को देखना, उन बातों को पकड़ना, क्योंकि उसमें मनमोहन सिंह जी नहीं आएंगे पकड़ने के लिए। तो विफलता नहीं है। और मैं एक बात बताऊं, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग, चाहे वो किसी भी समुदाय से, अपंग लोग, जिनको घर में तिरस्कार होता था, जिन्हें घर में कोई अडॉप्ट नहीं करता था, मनरेगा में उनके लिए भी प्रावधान था। इसमें उम्र का प्रावधान नहीं था कि किस उम्र तक जो है लोग काम कर सकते हैं, बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी भी जाकर उसमें काम करता था। हमारे बहुत सारे गुज्जर समुदाय के लोग, क्योंकि मैं जडेरा ग्राम पंचायत का प्रधान रहा हूँ, वो भी गुज्जर बहुल इलाका है, और मेरे जो काम किए थे उसमें मेरी वाइफ जिला परिषद मेंबर भी बनी, तो बहुत सारे लोग हमारे जहाँ मनरेगा से पहले काम की चंबा में कमी थी तो पंजाब में जा करके अपना प्रवास करते थे जी, वहाँ जाके रोजी रोटी कमाते थे। जब मनरेगा शुरू हुआ तो उन्होंने, उन लोगों ने भी वापस अपने घरों में आना शुरू किया। तो इतना, इससे बड़ा वरदान गरीब जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए और कोई नहीं हो सकता है। और इसकी सराहना अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति ने भी की। सर एक चीज़ और पूछूंगा मैं आपसे कि अक्सर देखा जा रहा है या कई जगह मेरे को सुनने में भी आता है कि चंबा में जो डेवलपमेंट के लिए पैसा जो आता है अक्सर ही पुलों के लिए, पुलियों के लिए, डंगों के लिए ही ज़्यादातर लगता है, जबकि और अदर डेवलपमेंट के लिए नहीं लगता है। तो क्या आप इस चीज़ से सहमत है कि यार यही चीज़ें, ये यही डेवलपमेंट के काम है, क्या और कोई डेवलपमेंट के काम नहीं है? मैं इसमें एक बात और ऐड करूं, जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें जो अक्टूबर महीने की जो ग्राम सभा होती है जी, उस ग्राम सभा में जो है सेल्फ पारित किया जाता है आने वाले वर्षों के लिए जी, आने वाला जो अगला वर्ष होता है उसके लिए। और जो जनवरी की ग्राम सभा होती है उस ग्राम सभा में जितने भी उस सेल्फ बना है उस सेल्फ के ऊपर जो है उसके एस्टीमेट वगैरह तैयार होते हैं, और अप्रैल महीने से वो कार्यक्रम शुरू होता है। तो अब रही डंगों की बात, ज़रूरत है हिमाचल में, चंबा ज़िले में विशेषकर ज़रूरत है, और माध्यम से भी लग रहे हैं, पर अगर कहीं गलती हो रही है तो मैंने आपको कहा कि सोशल ऑडिट, अब जिस गांव में काम हुआ है उसी गांव के लोगों को आप जो है लाओ सामने, देखो ये बिल है, ये वोचर है, तो नहीं किए इन्होंने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने बंद किया था इसको जी। और वो तब से लेकर आज तक बंद है जी। तो इसमें ये नहीं है, इसमें जो नाकामी रही है बीजेपी गवर्नमेंट की रही जी जी, और इस धन का दुरुपयोग होने का कारण भी मैं तो बीजेपी को मानता हूँ। हसनदीन जी, इन दिनों जो है वो राजनीति में देखा जा रहा है गाँववाद और शहरवाद, आप गांव से हैं तो
तो क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा रहेगा गांववाद शहरवाद, कि गांव का विकास ज़्यादा होना चाहिए या शहर का विकास ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए पुनीत जी, ये उसी पार्टी विशेष का मुद्दा है, हमारा मुद्दा नहीं है। जहाँ तक गांव शहर की बात है, हम सब कांग्रेसियों का ये ध्येय है कि विकास होना चाहिए, हमें मतलब है विकास से। अब कौन कैंडिडेट कहाँ का है, ये इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए, हर्ष महाजन जी चंबा शहर से थे, सागर चंद जी चंबा शहर से थे, तो कहाँ विकास नहीं हुआ? उन्होंने ज़्यादा गांव के लोगों को प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दी, गांव में सड़कें बनाई, स्कूल खुलवाए, पानी की स्कीमें, हाँ अस्पताल जो भी था सब काम। तो हमारा मतलब ये नहीं है कि कैंडिडेट गाँव का है कि शहर का है। भ्रमोरी जी गाँव के हैं, सुरेंद्र भारद्वाज जी गाँव के हैं, पठानिया जी गाँव से रहे, तो सभी गाँव में काम कर रहे हैं, शहर में भी काम कर रहे हैं। अब कैंडिडेट पार्टी ने जो दिया है वो चाहे शहर का है चाहे गांव का है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब पार्टी के कैंडिडेट से है और उससे काम करने से मतलब है। हम ये समझते हैं कि गांव का विकास होना चाहिए, शहर का भी विकास होना चाहिए। गांव के मुद्दे अलग हैं, शहर के मुद्दे अलग हैं, ठीक है। तो ऐसा कैंडिडेट हो, ऐसी पॉलिसी हो जो गाँव को भी प्राथमिकता दे और शहर में जो ज़रूरी काम है उनको भी प्राथमिकता दे। हमें तो विकास से मतलब है, कैंडिडेट्स की के घर से मतलब नहीं है कि वो कहाँ रहता है, ठीक है। हमें ये कोई मुद्दा नहीं है, हम चाहते हैं कि गांव का भी विकास हो, शहर का भी विकास हो, और विकास ही हमारा मुद्दा है। कैंडिडेट चाहे शहर का है चाहे गांव का है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शिवांग जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जो गांव शहर की जो लोग बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक अवसरवादी जो एक नीति है, जो राजनीतिक जो लाभ उठाने की एक नीति है, अवसरवादी नीति, उसका एक अंग है। थोड़ा सा मैं मतलब आपका समय लेना चाहूँगा। आज से 20 से 25 वर्ष पूर्व हमारे देश की 80-85% जनता जो थी वो गांव में रहती थी और 15% जनता थी वो शहर में रहती थी। पर रोज़गार के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोगों ने शहरों की तरफ पलायन किया और आज जो है शहरों की जनसंख्या 40% के करीब हो चुकी है। हमारे चंबा जो हमारा कस्बा है, यहाँ पर भी आज के समय में आधी से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो पलायन करके गाँव से शहर की तरफ आई है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छी सुख सुविधाओं के लिए। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा कारण है। और एक बात और भी है कि हमारे कई ऐसे नेता हैं जो गांव का राग अलापते हैं पर अपने आप तो घर शहर में बना के बैठे हुए हैं। तो कृपया वो इस तरह की जो मतलब एक सामाजिक जो संरचना है उसमें जो है वो भेदभाव जो है वो ना करें और विकास जो मुख्य मुद्दा है, रोज़गार के साधन, हसन जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि रोज़गार के साधन, विकास, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, ये हमारे मुख्य मुद्दे होने चाहिए और इन्हीं पे हमें जो है बात करनी चाहिए, ना कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, गांव शहर के नाम पे लोगों को बांटकर जो है अवसरवादी जो नीति है इसको अपनाना चाहिए। आज की चर्चा में बस इतना ही, अगली बार एक नई चर्चा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।